डीजल एवरेज इसका 3 के अंदर रहा, ऊपर ना जा रहा, 3 से नीचे ही रहता है। बाकी लोड में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत इस मशीन के अलावा और भी इम्प्लीमेंट कोई चलाए हो? रोटावेटर पे ही चलता है। अच्छा अच्छा, 6 फुटा चलाए हो? 7 फुटा खींचेगा, 7 फुटा। हमारे हिसाब से भाइयों रोटावेटर वगैरह जो काम किसान भाई करते हैं उनसे काफी बढ़िया काम है, देखा जाए तो नगद का काम है भाइयों। 1000 या 1200 का डीजल में मतलब काम हो जाएगा, 3-4 हजार का। अच्छा अच्छा, मतलब 1000-1200 का डीजल में 2000 की बचत होगी लगभग, 2 गुने। तो मतलब आपका जो किस्त वगैरह ईएमआई वगैरह जो है ट्रैक्टर की निकल जाती है। इस मशीन में आपको कोई अभी तक दिक्कत वगैरह लगी, जैसे कुछ धान वगैरह टूटने की समस्या हो या भूसी वगैरह आती हो? सर दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत ये है सर ये मतलब हल्की चद्दर की बनी है मशीन। अच्छा, जो टीन है इसकी कमजोर दी गई है, ये चीज कमजोर दी गई है ना, मतलब टूट फूट में कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और भी मशीनें हमने देखी, जैसे ये तो साहब की है, पूर्वांचल की भी आती है, इससे मतलब पुर्जा उसका हार्ड है, वजन है, पूर्वांचल की हैवी है हमारे पास है। अच्छा अच्छा, तो पूर्वांचल वाले में टूट फूट थोड़ा सा कम है, कम है थोड़ा। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, स्वागत है आज की फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो में, क्योंकि आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं भाइयों मिनी राइस मिल, जो कि ट्रैक्टर से चलने वाली भाइयों मशीन है, और हमारे साथ में किसान भाई भी मौजूद हैं, और ट्रैक्टर है आइसर का 333 इनके पास, 5-स्टार वाला, और मशीन है साहिब कृषि यंत्र उद्योग की भाइयों, जो कि प्रकाश एजेंसीज लखीमपुर से भाइयों ने खरीदी है। तो पूरी जानकारी मशीन के बारे में भी लेने की कोशिश करेंगे, कैसा क्या इसका काम है और घंटे में इनका कितना कुछ बचत वगैरह हो जाती है, और दिन के कुल मिला के कितने रुपए बचा लेते हैं, तो पूरी जानकारी भैया जी से लेते हैं। तो भाई जी नमस्कार। तो हमारे जो किसान भाई दर्शक आपको देख रहे हैं ठीक सामने से, तो उनको थोड़ा सा अपना परिचय करवाइए, नाम वगैरह बताइए क्या अपना। जी हमारा नाम सनोज कुमार राठौर, ग्राम हाजीपुर, पोस्ट बेलगवा, जिला सीतापुर का रहने वाला। अच्छा अच्छा, हाजीपुर। तो जैसे हाजीपुर आपने गांव बताया, तो हाजीपुर में तो काफी सारी मशीनें हैं, कई लोगों से मिल चुका हूं। मशीन हाजीपुर में लगभग 30-32 मशीनें हैं आपके गांव में, ज्यादातर लोगों का यही धंधा है मतलब धान मशीन ट्रैक्टर से चलाने वाली। जी जी, तो जैसे सबसे पहले हमें अपने ट्रैक्टर के बारे में बताया, 333 ट्रैक्टर आपने लिया, तो इसके अलावा और कोई ट्रैक्टर आपने चलाए हैं? मैंने तो नहीं चलाया है। अच्छा अच्छा, लेकिन हमने जो 33 चला रखा है इसका एवरेज भी ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लोड भी ठीक ले रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज जैसे हुई, तो एक चीज बताया जैसे रोड पे चलना ज्यादा इसमें रहता है, सड़क पे ज्यादा चलते हैं ठीक, जी जी। काम पे मान लो 10 मिनट चला, 15 मिनट उसके बाद फिर खाली में चलना है जी। तो कुछ अगर देखा जाए डीजल एवरेज, तो रोड पे कैसा डीजल लेता होगा घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए? डीजल एवरेज इसका 3 के अंदर रहा, ऊपर ना जा रहा है, 3 से नीचे ही रहता है। नीचे रहता। बाकी लोड में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत इस मशीन के अलावा और भी इम्प्लीमेंट कोई चलाए हो? रोटावेटर पे ही चलता है। अच्छा अच्छा, 6 फुटा चलाए हो? 7 फुटा खींचेगा, 7 फुटा, बढ़िया खींचता है, बढ़िया। तो बड़ी जबरदस्त ट्रैक्टर है देखा जाए तो। तो चलिए मशीन की तरफ थोड़ा चलते हैं, इधर आ जाइए। किसान भाइयों आप लोग देख सकते हैं मशीन है साहब कृषि यंत्र उद्योग सुलेमपुर निकट ब्लॉक टांडा की बनी हुई मशीन है, और इन्होंने प्रकाश एजेंसी निघासन रोड लखीमपुर गिरी से भाइयों खरीदी है। तो सबसे पहले मशीन के बारे में बताइए, जो मशीन है ये कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर पर चल सकती है? ये तो हमारा 38 एचपी का ट्रैक्टर है, 3600 का, 3600 का, हाँ हाँ। तो इस पर आराम से ठीक चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब चलेगी इससे कम पर भी। अच्छा अच्छा, फिर मतलब ट्रैक्टर लोड मानेगा। अच्छा अच्छा, ये तो नहीं लोड मानता, 300 ये नहीं लोड मानेगा। अच्छा अच्छा, अभी दिखा रहे हैं। अच्छा, और कोई बड़े ट्रैक्टर पे अगर चलाते हैं तो आराम से चलेगी, और ज्यादा बढ़िया चलेगा, और बढ़िया चलेगा। अच्छा अच्छा, तो जैसे अगर बात की जाए काम की, तो ये इस ट्रैक्टर पे जैसे आप चलाते हैं, तो 1 क्विंटल धान आपको मान लो कूटना हो ठीक, तो 1 क्विंटल धान ये कितने समय में निकालती होगी मशीन आपकी? मतलब समय टाइम, हाँ हाँ टाइम, मतलब ऐसा है जितना जिसे गल्ला चलाओ, अब तो अपने पर डिपेंड है। हाँ हाँ, 2 मिनट में भी निकाल सकते हैं 1 क्विंटल? 1 क्विंटल नहीं, हाँ। मतलब 1 बोरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, 1 बोरी 2 मिनट में निकाल, तो मान के चलो 6-7 मिनट लगेंगे 1 क्विंटल में, हाँ, निकल जाएगा ये चीज। तो भाई जी जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने बताया जैसे 1 बोरी में 2 मिनट लगते हैं, तो मैंने मान लिया 3 बोरी 1 क्विंटल ठीक, तो 3 बोरी में लगभग 6 से 7 मिनट मान लिया जाए जी, तो 7 मिनट में लगभग आपने 1 क्विंटल धान कूटे ठीक जी। तो 7 मिनट में कितना आपका मतलब जो इसमें भूसी और ये पालिस वगैरह कितनी निकल जाएगी? भाई 15 पालिस 15 भूसी निकलेगी, 15 किलो जी। ठीक ठीक, 70 किलो लगभग चावल, 70 किलो, तो 15 किलो पालिस किस रेट में चलती होगी? 18 रुपये। अरे 18 रुपये किलो, हम कहते हैं 15 रुपये में लगा लो, तो 225-230 रुपये का काम लगभग 7 मिनट में होता है। अच्छा अच्छा, तो 1 घंटे का अगर लगा लिया जाए, 1 घंटे अगर आप चलाएंगे, तो लगभग 10 क्विंटल तक माल निकालेगा ये? 10 क्विंटल निकालते हैं। अच्छा अच्छा,
तो एक घंटे अगर काम पे चलेगा ट्रैक्टर तो 10 क्विंटल का मतलब 2200 का काम करेगा। हाँ, जो लगातार हाँ लगातार एक जगह पे खड़ी करके अगर चलाया जाए तो, जैसे अब बात की जाए दिन भर अगर ट्रैक्टर आप चलाते हैं, मान लो यहाँ पे 10 मिनट चला वहाँ 20 मिनट चला, तो लगभग कितनी आपके पास पालिस और ये भूसी इकट्ठी हो जाती है? पालिस कोई तोली तो यार नहीं है, मतलब लगभग 1-1.5 क्विंटल जो पालिस इकट्ठा हुई है। अच्छा, समय पर डाउन है ना, मतलब आइडिया में लगा ट्राली में ट्रैक्टर का आपने पूरा टैंक फुल किया एक टंकी ट्रैक्टर की, ठीक, तो एक टंकी में एवरेज कितना आ जाता है आपका? एक टंकी फुल करते नहीं उतार देते हैं ना। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर का मतलब एक टंकी डीजल अगर फुल आपने लिया ऐसे भराया दिन भर चलाया, कुछ आइडिया लगता है 2000 का डीजल फूका 4000 का डीजल फूका तो कितनी बचत उसमें हुई? 1000 या 1200 का डीजल में मतलब काम हो जाएगा 3-4 हज़ार का। अच्छा अच्छा, मतलब 1000-1200 का डीजल में 2000 की बचत होगी लगभग दो गुने। तो मतलब आपका जो किस्त वगैरह ईएमआई वगैरह जो है इसे ट्रैक्टर की निकल जाती है, फाइनेंस करवाया होगा थोड़ा बहुत? अच्छा, तो इसी से हो जाता है सब कुछ, और जो अपना खेती का काम वगैरह है तो मान के चलो फ्री में हो जाता है? तो हो गया करी दूसरे ट्रैक्टर और है ना। अच्छा, तो मशीन वाला मशीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खेती वाला खेती, मतलब अगर हमारा कोई किसान भाई करना चाहे तो मतलब ये धंधा कर सकता है, ठीक है। वैसे एक चीज़ और बताइए, जैसे ये मशीन के बारे में बताइए, अपने साहेब कृषि यंत्र की मशीन चला रहे हैं तो इस मशीन में आपको कोई अभी तक दिक्कत लगी या कोई समस्या जैसे मशीन में आई वो चीज़ बताइए, जैसे कंपनी वाले भी उन तक बात पहुँचे। जैसे इस मशीन में आपको कोई अभी तक दिक्कत वगैरह लगी, जैसे कुछ धान वगैरह टूटने की समस्या हो या भूसी वगैरह आती हो? सर दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत ये है सर ये मतलब हल्की चद्दर की बनी है मशीन। अच्छा, जो टीन है इसकी कमजोर दी गई है, ये चीज़ कमजोर दी गई है ना, मतलब टूट फूट से कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और भी मशीनें हमने देखी, जैसे ये तो साहब की है, पूर्वांचल है, पूर्वांचल की भी आती है, इससे मतलब पुर्जा उसका हार्ड है, वजन है, पूर्वांचल की हैवी है हमारे पास है। अच्छा अच्छा, तो पूर्वांचल वाले में टूट फूट थोड़ा सा कम है? कम है थोड़ा सा। बाकी कीमत वगैरह में कुछ अंतर है दोनों में? नए में अंतर है, ये सस्ती होगी, ये 20,000 रुपये सस्ती होगी, 20,000 रुपये महंगी है। तो हमारे हिसाब से 20,000 रुपये के लिए आपको वो लेनी चाहिए पूर्वांचल वाली? नहीं, एक पूर्वांचल हमारे पास पहले की है तो हम कहने साहब की चलाए लेंगे। अच्छा अच्छा, तो साहब से उतना खुश नहीं है जितना पूर्वांचल से? वो ये थोड़ा मतलब पूर्वांचल से स्वयं चलते हैं। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर पर लोड कम डालती है? वो लोड कुछ ज़्यादा डालते रहे। अच्छा अच्छा, कम डाल, लेकिन टूट फूट में ज़्यादा है। हाँ, सहन का मतलब ये लोड का मतलब ये पुली वगैरह से भी हो सकता है, पुली वगैरह अगर चेंज करते हैं थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। बाकी कभी कोई दिक्कत जैसे किसान भाई को हो जाए, जैसे कोई मशीन चला रहा हो और मशीन में धान वगैरह आने लगे तो उसका क्या जुगाड़ करते हो? उसका जुगाड़ तो रोलर से होते हैं। किससे? सेलर से, सेलर से। अच्छा, इसको घटाना बढ़ाना, कहाँ पे सेलर कहाँ पे लगा होता है? सेलर अंदर लगा हो गया। अच्छा अच्छा, तो इससे घटा बढ़ा देते हो तो इसमें भूसी वगैरह आती है सही हो जाती है? अच्छा अच्छा, जो टूटने वाला हो तो टूट भी करे। अच्छा अच्छा, जहाँ ले जाओ। अच्छा, बाकी मतलब मशीन के बारे में नॉलेज आपको अच्छी खासी होगी? नॉलेज है नहीं का। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपसे किसी दिन एक स्पेशल टाइम निकाल के आपसे थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे मशीन के बारे में। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा किसान भाई ने आप लोगों को पूरी जानकारी दी मशीन के बारे में दी और ट्रैक्टर के बारे में बिल्कुल खुल के बताया भाइयों। तो अब चलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आयसर का 333 है भाइयों, 5-4 वाला। कितने आरपीएम पे चलाते हो? 1400 पे। तो भाई 1400 आरपीएम पे भाइयों ट्रैक्टर चलेगा, आयसर 333 है और ये गियर लगा दिया है। हमारे हिसाब से भाइयों रोटावेटर वगैरह जो काम किसान भाई करते हैं उनसे काफ़ी बढ़िया काम है, देखा जाए तो नगद का काम है भाइयों, जो कि पैसा भी आपको तुरंत ही मिल जाता है। तो देख सकते हैं मशीन चालू हो गई है, अभी दिखाएंगे कि क्वालिटी वगैरह इसकी कैसी है मशीन की। बस इधर अभी निकलना चालू होगा यहाँ से चावल और यहाँ से भाइयों धान यहाँ से पड़ते हैं। ये देखिए चावल गिरने चालू हो गए भाइयों, धान तो साफ आ रहा है। अच्छा, धान टूटने का क्या जुगाड़ करते हो? अगर धान टूट रहा हो तो कैसे कम टूटना करेंगे? वो अगर ये कमजोर हुई है। अच्छा अच्छा, वहीं से टूटी है सेलर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज़ धान की क्वालिटी बता रहे हैं, अगर गड़बड़ होगी तो वहीं से टूटेगी, बाकी अगर क्वालिटी अच्छी है तो नहीं टूटेगा। बाकी सफाई वगैरह तो काफ़ी अच्छी है। तो भाइयों आशा करता हूँ
इस मिनी राइस मिल जो कि ट्रैक्टर से चलने वाली है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। तो भाइयों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।